हम कहाँ से? देख लीजिए यहाँ पे आ गई है, मंदिर से आए हैं। जाने के बाद प्रणाम करके गए, आने के बाद प्रणाम नहीं किए। आने के बाद तो माता रानी से प्रणाम करवा के आए लोग, करके आए हैं लोग एकदम मस्त। और यहाँ पे वेलकम लड्डू, क्या हाल है, क्या हाल है? वहाँ पे वो आ गए, यहाँ पे ये लोग घूम के आ गई ना। रूम क्या है? तो एक तरफ दिखाई देता है, हालत खराब हो गया। आप सब लोग आ गया, कहाँ गए थे? जर्ती माई के पास की था मैं। स्वामी के खाली जगह के पड़ी हूँ, चाहे वो लोग के क्यों? महाराजगंज, तो महाराजगंज गया था तो जर्ती माई के पास। कैसा लगा? चाकू शीशे लगवा देंगे, फाइबर लगवाएंगे। शीशा लगी जी, क्या हुआ है? शीशे में जैसे खोल के लगा फैन लगे, ठीक भाव शीशे लग जाए। फाइबर में ना, फाइबर में कुछ नहीं, फाइबर में कुछ काट के फाइबर लगा के लगा दी। कौन सा ही रहेगा जी, शीशा की फाइबर वहाँ छेदा में ना जंगा लो। हाँ ग्लास का ग्लास हो गया तो फूटे फटे के बाद ना शीशे ठीक है। यहाँ पर हमारा छोटकी पूरा और ठीक बात शीशे लग सौ आदमी का चार चार चौमिन सौ आदमी का चार हजार तीन हजार में गाइस। तो यहाँ पर देख लीजिए पति सेवा चल रहा है, इधर है उंगली पुटका रहे थे, उंगली पुटका रही है। यहाँ पर बैठा है, लग रहा था कि पीला पीला एकदम हल्दी कुट में। दूसरे एंगल में है उनका एंगल, दूसरा ही है इनका एंगल, दूसरा ही है हम दूसरे एंगल। पंखा बंद कर दीजिएगा सेकंड वाला। अभी हम लोग आए हैं इस रूम में, बैठे हैं लोग थोड़ा गप सप हो रहा है। बैठ जाओ बैठो। यहाँ पे रंजना है, मम्मी से वाला लाइट ऑफ कर दो, ये ले लिए हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि One, two, three, start. तो गाइस फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और अभी जो है आप लोगों को बता देते हैं कि अभी तक रंजना दुविधा में थी, तो अब आई है मम्मी के पास बोलने के लिए कि मम्मी अब बता दीजिए कि कौन सा सही रहेगा कौन सा नहीं। वो तो आपको पार्टी में ही देखने को मिलेगा कि कौन सा कपड़ा पहनेगी या कौन सा नहीं। ये साड़ी जो है इस ट्रॉली का नाम आया, जब इस ट्रॉली में बहुत सारा साड़ी पड़ा हुआ है, मेरा दिया हुआ सब साड़ी है वो, ठीक है? तो ये साड़ी, ये एंगेजमेंट पे साड़ी दिए थे हम, तो इसको अभी तक नहीं खोला गया था। अब लग रहा है कि रंजना हम लोगों के फैमिली में आ चुकी है, क्योंकि हम लोगों का यही काम है लास्ट तक हम ताला तोड़ना, कभी गांजी कभी कुछ गायब है रहता है, ताला तोड़वाने में, ताला तोड़वाना या कैंसिल। मम्मी क्या कर रही हैं आप? आप देखोल के परेशान करते रहे हैं एक ही चीज को लेके। हे गाइस, तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं अभी, यहाँ पर फ्रेंड्स हैं और डिसीजन हो रहा है कौन सा कपड़ा पार्टी में पहनना है। हम तो अपना पार्टी के लिए कोनो फाइनल नहीं किए हैं, लेकिन हमारा जो है वो पहन लेंगे। बहू लोगों को थोड़ा अच्छा सा कपड़ा इस बार पहनना चाहिए। हम तो सिल्क जिंदाबाद, सिल्क बर्थडे पार्टी के लिए सिल्क साड़ी, चलिए बढ़िया, तो हम पहन लेंगे उसको। और फिर भी लोग कमेंट करने वाला करेगा कि अपने साथ धस गई हैं, है? कह रहा हूँ ना, तो कही रहा था सुबह रे, क्या बोल रहा था तू? पापा क्या बोल रहा था तू? फोन ले रहा, देखिए गाइस मेरे फोन मेरे वीडियो में ना कैसे कर रहा है, सबके वीडियो में ऐसे ही करता है, बस इसके वीडियो में सब लोग देखो इसका एक्टिविटी है, मेरा ही चैनल है वो भी, काटेगा अभी
हे गाइस, तो यहाँ सब ट्रॉली रख दिए और जितना पूजा का मेरा है वो यहाँ रखा गया। यहाँ पर कपड़ा कुली रख दिए और इसमें अंकल जी का सब कपड़ा रखेंगे, इधर रोज पहनने वाला रखेंगे। अभी फिलहाल में इसमें रखे हैं लेकिन बाद में इसको सेटिंग कर देंगे और इस पर भी पल्ला लगवा देंगे तो सही हो जाएगा, दिखेगा नहीं कुछ भी और अच्छा लगेगा। और यहाँ पे देखिए एकदम शिमला का हवा है। यहाँ दो गो सोफा रख दिया है, यहाँ पे देखिए बैठे हैं और यहाँ से एकदम खिड़की से हवा आ रहा है एकदम मस्त। और यहाँ एक टेबल रख दिए है, दो गो प्लांट यहाँ पर रख दिए हैं बालकोनी के आगे कि यहाँ पर बैठेंगे लो तो अच्छा लगेगा। और अब वहाँ बेड लग गया है मेरा, ये है कूलर, इसमें अभी एसी नहीं लग पाया है। मेरा अलमीरा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मेरा ड्रेसिंग आ गया जो कि ये ड्रेसिंग है। और यहाँ देखिए एसी वाला हवा आ रहा है इधर से, ये स्लाइड वाला लगा दिया है, काम नहीं तब बंद कर दीजिए तक खोल दीजिए। इधर बाथरूम का बस इतने से जगह बचा है गाइस, ज़्यादा चावड़ा नहीं था ये, इसीलिए ये 8 फीट का था तो 6 फीट का बेड है और प्लस वहाँ से 5-6 इंच का गैप है तो ये हो गया आने जाने का रास्ता। वहाँ बाथरूम का अभी पल्ला लग रहा है, तो लग जाएगा तो भी अच्छा हो जाएगा। और ये देखिए पेंट करा दिए हैं फिलहाल में, अब जैसा होगा वैसे होते रहेगा, ये भी अलमारी बाद में रंगवा देंगे। यही बन रहा है तो अब इस रूम का हाल थोड़ा सा पहले इसको सेट करते हैं। वहाँ रंजना बैठ के साफ कर रही है अभी और ये सब फूल वूल उतर गया है, जो काम लायक होगा वो रखेंगे इसमें, नहीं काम लायक होगा तो हटा देंगे इसमें से। तो यही यहाँ पे दो ग्रीन ग्रीन रख दिए हैं प्लांट, अच्छा लगेगा। हे गाइस, तो शाम का टाइम हो गया है, पूरा धूल मिट्टी से भर गया है एकदम सिर वगैरह, तो अभी झाड़ झूड़ लिया है। लेकिन ये रूम अभी कम्प्लीट हुआ है लेकिन इसका भी अभी जंगला का पल्ला और दरवाज़ा नहीं लगा है, लेकिन फिलहाल में एकदम हमको सेट करना था तो आप लोगों को दिखा रहा है हम अपना बेड कि कैसे सेटिंग किए हैं। और हम अपने मन से सेटिंग किए हैं, अपने तरीक़ा से सेटिंग किए हैं। यहाँ तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सब कपड़ा पहनने वाला है, सब रेक में लगा दिए हैं। यहाँ खाली रखे हैं कि कुछ कुछ सामान रखने के लिए, इसमें हम हैंगर लगवाएंगे बाद में, और हैंगर जब लग जाएगा तो और सुंदर लगेगा। कपड़ा इसमें अंकल जी का रखेंगे, इसमें हम अपना रखेंगे और इसमें भी सब कपड़ा है, ऊपर भी न्यू जो कपड़ा है वो रख दिए हैं। और उसी तरह मेरा ड्रेसिंग है यहाँ पे छोटू सा, तो ड्रेसिंग को लगा दिया है पिलर जो था पिलर को छुपाने के लिए, तो यहाँ पर 2-4 फ्लावर रख दिए हैं, यहाँ पर जो था वो फ्लावर लगा दिए हैं। और ये सब थोड़ा सा सेटिंग करना था तो अभी नहीं कर पाए, मन थक गया है, अब बाद में इसको सब सेटिंग करेंगे। आज भर फिलहाल ऐसे है, कल से देखेंगे तो कल से सेटिंग कर देंगे। तो ये ऐसे 2 फ्लावर ला कर रख दिए हैं, थोड़ा अच्छा लगता है फ्लावर से। और ये मेरा यहाँ फर्श है, यहाँ से आप एंट्री कीजिए, यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं दरवाज़ा से। तो ये बायां साइड में पूरब साइड में ये मेरा रेक है, यहाँ पे सारा अटैची वगैरह रख दिए हैं रोज़ रेगुलर यूज के लिए। और यहाँ पे कालीन बिछा दिए हैं थोड़ा सा जगह में। और ये अलमारी है मेरा, और यहाँ मेरा बेड है, बेड देखिएगा इस मेरा कैसा दिख रहा है। और वाइट कलर ना हमको बहुत अच्छा लगता है। तो ये खिड़की है, खिड़की में पर्दा लगा दिया है और खुला रखे हैं, गर्मी काफ़ी है इसके लिए। और बाथरूम में आज पाला लग गया है, यहाँ से ज़्यादा ये स्पेस नहीं है, 1.5 फीट का एरिया है तो ठीक है, एक छोटा सा बाथरूम लैट्रिन है उसमें तो अच्छा है। और ये फ़ोटो हम लोग लगा दिए हैं दीवार पे, यहाँ सचिन प्रिंस पूजा और हम इनके पापा, तो मेरा पूरा फैमिली है, अब बहू लोग नहीं है तो एक सोचे हैं कि सबके साथ फ़ोटो बनाएंगे इस बार और घर में रखेंगे। तो वहाँ एक डॉल रख दिए हैं, और ये मेरा ये हम गोल वाला तकिया जो रखते हैं ना, इस पर पैर रख कर सोते हैं, हमको अच्छा लगता है थोड़ा ऊंचा पैर करके सोने में, इसलिए रखते हैं।
तो ये मेरा बेड है, अब एसी रूम में हम रहेंगे और पूजा रहेगी। तो खास करके माँ बेटी के लिए ये रूम बना है और उसमें भी स्लाइड वाला बनवा देंगे। तो अभी फ़िलहाल में झटपट काम हुआ है। अब हॉल में जो है, हॉल अभी नहीं सेट हो पाया है, थोड़ा बहुत हुआ है। यहाँ पर टेबल लगा दिए हैं बैठने उठने के लिए और दो गो प्लांट रख दिया है बस। तो वीडियो कराने देते हैं यहीं तक, और वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, खूब सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब सारा प्यार। और अब कल से चहल पहल घर में हो जाएगा, लोग आ जाएंगे तो आप लोग मिलिएगा।